हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। आज अपन करेंगे एस सी वर्मा का एक्साइज का 45 चैप्टर नंबर 3 का। काइनेमेटिक्स का चल रहा है, तो मैं सभी का आई वेलकम यू ऑल। तो मैं क्वेश्चन को सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, देखो क्या है, एक नदी है, नदी के बीच में क्या है, एक बोट है, ये रही अपनी बोट, ठीक है। और नदी के किनारे में यानी कि शोर में अ मैन इज स्टैंडिंग, एक आदमी खड़ा है नदी के किनारे में, ठीक है, एक सेव लेके। ये उसके हाथ में जो लाल कलर का दिख रहा है वो क्या है, सेव है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि सेव को फेंक रहा है, उसका टारगेट ये है कि सेव को जो है उसको बोट में पहुंचाना है। और सवाल में ये है कि वो जो है 10 मीटर पर सेकेंड से ही वो जो है सेव को फेंक सकता है, यानी कि उसकी फेंकने की जो स्पीड है वो फिक्स है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। पर जो उसके फेंकने का एंगल थीटा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो उस थीटा को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि जो सेव जिस समय वो सेव को फेंक रहा है उस समय सेव का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो इस बोट के सरफेस के हॉरिजॉन्टल लेवल के बराबर है, ताकि अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के साथ बात कर सकें, ठीक है। इसमें अपने को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन लगाना है, दैट्स इट। यानी कि सेव का हॉरिजॉन्टल लेवल और इस प्लेटफॉर्म का, बोट के प्लेटफॉर्म का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो सेम है। मैं कोशिश किया हूँ बिल्कुल साम साम मतलब सेम हॉरिजॉन्टल में बनाने की, ठीक है। और साथ में बोला है तीसरी बात ये कि अभी वो जो आदमी है वो बोट के सेंटर से, जो कि ये है ये वाला पॉइंट यहाँ पर, उससे 5.5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और बोट की खुद की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 5.5, ठीक है। और इस सेव से लेकर इस एज तक का डिस्टेंस कितना हो गया, वह है 5 मीटर। और इस सेव से लेकर इस आखिरी दूसरी वाली एज तक का डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 6 मीटर, ठीक है। अपना टारगेट क्या है, सेव को फेंक के बोट तक पहुंचाना। सवाल में ये लिखा हुआ है कि किन किन एंगल थीटा पे फेंका जाए ताकि जो सेव है वो बोट पे जाए, पानी पे ना जाए, ठीक है। अपन चाहते हैं कि थीटा को बढ़ा घटा के कैसे भी करके अपन सेव को कहाँ पहुँचा दें, बोट पर पहुँचा दें, ठीक है। अब दिक्कत यह आएगी, समझना बात को, एक छोटी सी कैलकुलेशन अपन पहले यहाँ पर निपटा लेते हैं। देखो अगर आप लोग इसका रेंज मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे, आर मैक्स कैलकुलेट भाई खट से कर लेते हैं अपन, यू स्क्वायर बाय जी होता है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 बाय जी, यानी कि 10 मीटर आ गया। तो रेंज की मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही है इसकी, 10 मीटर। मैक्सिमम रेंज कब आती है, थीटा इज इक्वल टू 45 पे, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना, अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे लेट से ये बहुत छोटे से एंगल पे फेंका तो क्या होएगा, ऐसे जाएगा सेव। थोड़ा एंगल को बढ़ाया, ऐसे जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर मिनिमम एंगल पे वो सेव क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे करके हिट कर जाएगा, ठीक है। तो उसकी अपन कैलकुलेशन करेंगे। फिर क्या होएगा, और बढ़ाते हैं एंगल को, तो ऐसे जाएगा, थोड़ा और बढ़ाए, थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर एंगल को बढ़ाए, ऐसे गया। फिर एंगल को बढ़ाए तो ये क्या करेगा, बोर्ड के इस एज पे टच हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा आगे बढ़ते हैं पहले, फिर और बढ़ाते हैं अपन, बढ़ाते जाएंगे तो क्या होएगा, 45 डिग्री तक अपने को पता है कि रेंज बढ़ते जाती है, ठीक है ना। तो क्या होएगा, फोर्टी फाइव तक, जैसे क्या होएगा, मान लो मैं ये 45 पे फेंका, तो 45 के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। और वो कितनी आएगी, ये ऊपर लिखा हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो लेट से ये वाली जो लाइन है वो 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, यानी कि ये वाला पाथ, ठीक है, और ये वाला पाथ, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो भैया, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेंज कितनी है, 5 मीटर है, ये नीचे लिखा हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन पे आता हूँ, कैलकुलेट करते हैं अपन। अपन क्या करेंगे, रेंज को कितना पुट करेंगे, अपन 5 पुट करेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो भाई इसको कैलकुलेट कर लेना, थीटा की वैल्यू आप लोगों की 15 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। 15 डिग्री पे जो रेंज आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 मीटर आ रही है, ठीक है। अब 15 डिग्री पे रेंज आ रही है तो भैया अपने को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होएगा, 75, ठीक है। 75 डिग्री के करस्पॉन्डिंग मेरे जो जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, 5 मीटर ही आएगी।
यानी कि 15 और 75 दोनों के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगी वो 5 मीटर आएगी। ठीक है, आगे अब देखो, अपन बात करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की। ये तो आ गया, ठीक है, ये तो आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग अपने को रेंज निकालना है। देखो भैया, सॉरी, रेंज नहीं निकालना है, एंगल निकालना है। रेंज कितनी है? 5.5 और 0.5 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो 6 के करस्पॉन्डिंग अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? आर इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे। अगेन फॉर्मूले में रख लेना भैया, यहाँ पर साइंस स्क्वायर 2 थीटा बाय जी। इसको भी भाई कैलकुलेट करोगे तो थीटा की वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों का काम है, प्लीज़ प्लीज़ कर लेना, इतना आलस मत करना। तो इससे जो वैल्यू आएगी थीटा की, वो आएगी 18.5 डिग्री। ठीक है, और अगेन 18.5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 71.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस एंगल और इस एंगल दोनों के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी? 6। ठीक है, अपने को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के करस्पॉन्डिंग जो है रेंज सेम आती है। ठीक है, अब सुनो भैया, अब होएगा क्या? अब अपन 45 तक की कहानी बता दी। अब अगर मैं 45 से बढ़ाऊंगा एंगल तो क्या होएगा? किस टाइप का पाथ होएगा इसका? रेंज इसकी छोटी होती जाएगी। ठीक है ना भाई, ये इस टाइप का होएगा, ये रेंज कम हो गई, और बढ़ाए ये रेंज और कम हो गई, और लेट से इस पाथ की करस्पॉन्डिंग रेंज फिर से कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई। तो सोचो ये वाला जो पाथ है, देखो ये वाला जो पाथ है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या रहा होगा? सोच के देखो, वो रहा होगा 75 डिग्री, सॉरी 70, यार मैं कुछ गड़बड़ी किया हूँ क्या? नहीं, 71.5 डिग्री। ठीक है, 71.5 डिग्री। पहली बार कब आया वो? 18.5 डिग्री पे जब अपन किए, तब उसकी रेंज कितनी आई? 6 आई। फिर अपन क्या किया, एंगल को बढ़ाते गए, 45 किए तो रेंज आई कितनी? 10 मीटर आई। फिर और बढ़ाते गए, कहाँ तक ले गए? 71.5 तक। तब फिर से क्या हुआ, उसकी रेंज कितनी आई? 6 आई। यानी कि ये वाली जो नीली लाइन में बनाया हूँ उसके करस्पॉन्डिंग जो अपना एंगल आया है वो कितना आया है? 71.5 डिग्री। ठीक है, और जो अपनी ये वाली लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग तो अपने को पता है कितना है? 18.5 डिग्री। ठीक है, जो पहले तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये इस वाली एंगल लाइन की करस्पॉन्डिंग भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, 15 डिग्री आया है। ठीक है, अब सोचो रेंज को और बढ़ाओगे तो क्या है? सॉरी, अब अपन एंगल को और बढ़ाएंगे, कहाँ तक पहुँच गए अपन? 0 से बढ़ाते बढ़ाते अपन 75 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, और बढ़ाते हैं, और बढ़ाएंगे तो क्या होएगा? कुछ इस टाइप का पाथ होएगा। फिर और बढ़ाएंगे तो फिर रेंज इसकी थोड़ी और कम होगी, और ये फिर से एक बार रेंज इज इक्वल टू 5 पकड़ लेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली कब पकड़ेगा? 75 डिग्री पे, क्योंकि अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं 75 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आ रही है वो कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट वाली ब्लू लाइन में बनाया हूँ डॉटेड लाइन, तो ये जो है कितने एंगल के करस्पॉन्डिंग आ रही है? 75 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब भाई सॉरी, सवाल में क्या पूछा है कि कितने से कितना एंगल, मैक्सिमम और मिनिमम एंगल अपने को बताना है। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगल कितना आ गया भैया? 75 आ गया, और मिनिमम कितना आ गया? ये 15 आ गया। ठीक है ना, ये जो अपन कैलकुलेट किए कितना आ गया? 15 आ गया, यानी कि 15 से 75 तो अपना आंसर है, ये बात बिल्कुल सही है। पर अपन देखे कि 18.5 से लेकर 71.5 तक क्या हो रहा है? एप्पल नाव के उस पार गिर रहा है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर गिर रहा है। ठीक है ना, तो उसको अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो अब एस सी वर्मा में ना क्या लिखा हुआ है, देखो इसको माइनस करो भाई, देखो इसको माइनस करता हूँ मैं, इधर आते हैं, देखो 71.5 माइनस 18.5 करोगे तो ये आ जाएगा 0, और ये 3, और ये 53, यानी कि 53 डिग्री का बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, 15 से छोटा फेंकोगे अगर, तब तो वो क्या होएगा? वो एप्पल यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, 15 से कम वाले एंगल पे। ठीक है, फिर 15 से लेकर 18.5 तक, यानी कि इस एंगल तक, वो नाव पे गिरेगा। ठीक है, फिर 18.5 से लेकर 71.5 तक वो कहाँ गिरेगा?
इस साइड गिरेगा, ठीक है, नाव के उस पार, ठीक है। फिर 71.5 से लेकर 75 तक वो कहाँ गिरेगा, फिर से नाव में गिरेगा। और फिर अगर एंगल बढ़ाएंगे, सोचो मान लो मैं 76 डिग्री कर दिया या 80 डिग्री कर दिया, तो क्या होएगा, फिर ये पाथ अपना ऐसे हो जाएगा, यानी कि अगेन नाव के इस पार आ जाएगा, ठीक है। तो बात क्या है, अपना आंसर हो गया 15 से लेकर 75 तक, लेकिन बीच में गैप कहाँ से कहाँ तक का, 18.5 से लेकर 71.5 तक, यानी कि 53 डिग्री का गैप। और पीछे आंसर एस सी वर्मा में यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम एंगल इज 15 डिग्री, मैक्सिमम एंगल इज 75 डिग्री, बट देर इज एन इंटरवेल ऑफ 50 डिग्री बिटवीन 15 एंड 75 विच इज़ नॉट अलाउड फॉर सक्सेसफुल शॉट। तो हाँ, तो अपन कैलकुलेट कर लिया भैया, 15 से 75 के बीच में ये वाला जो गैप आ रहा है, यानी कि 18.5 से लेकर 17.5 तक का जो कि 53 है, उस गैप में जो अपना शॉट है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है। वो जो है अपनी जो जो सेव है वो नाव के उस पार गिर जाएगा, नाव पे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो दैट्स इट, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो आई होप मैं काफ़ी इसको कैलकुलेट मतलब समझाने की कोशिश किया हूँ, और कैलकुलेशन वैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर लिया हूँ ताकि वो आप लोग खुद कर सको, और ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, ठीक है। वैसे भी कैलकुलेशन आप लोगों को करना चाहिए, एग्ज़ाम में आप लोगों का टाइम सेव होएगा, ऐसा करने से थोड़े से स्पीड आ जाएगी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आई होप द एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी क्लियर, तो थैंक यू सो मच गाइज, अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू मच सो मच, बाय बाय।